नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परवेज आलम है। मैं एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। आज हम डिज़ाइन के विषय में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि डिज़ाइन क्या है, हमें डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों है, हम बात करेंगे कि डिज़ाइन के मूलभूत तत्व क्या हैं, किस प्रकार से डिज़ाइन के कुछ सिद्धांत हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन करने में। डिज़ाइन कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है या डिज़ाइन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिज़ाइन करते हैं, हम डिज़ाइन हमेशा से करते आए हैं, हमारे पूर्वजों ने भी डिज़ाइन किया है और हम भी कहीं ना कहीं डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली ज़िंदगी में। हम पहले आते हैं डिज़ाइन के ऊपर कि डिज़ाइन क्या है। डिज़ाइन जो आप अपनी सोच है उस सोच को एक माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे आपने एक ड्राइंग की, जैसे आपने एक घर का नक्शा बनाया, जैसे आपने एक पेंटिंग की, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन है। डिज़ाइन एक माध्यम है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत आप अपनी जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो आपके अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको आप एक शक्ल देते हैं, एक आयाम देते हैं, उसको आप एक प्रकार देते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन क्या है। जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन वर्ड है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, ये बहुत ही ज़रूरी वर्ड है जो हमेशा आपको आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में मदद करेगा। जब आप किसी डिज़ाइनर से बात करेंगे या किसी इंडस्ट्री में लोगों से बात करेंगे तो उस वक्त आपको ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ध्यान में रहे। तो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन जो मूलभूत डिज़ाइन के तत्व हैं उन तत्वों की बात करेंगे। मूलतः 7 तत्व हैं हमारे पास। तो डिज़ाइन के तत्व क्या हैं? डिज़ाइन, जैसे आप मान लीजिए एक खाना बनाने की विधि होती है, उस विधि में आप क्या करते हैं कि बहुत सारे मसालों का उपयोग करते हैं, वो मसाले जो हैं उस व्यंजन को बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। उसी प्रकार आप जो है इन डिज़ाइन के तत्वों का इस्तेमाल करके एक डिज़ाइन को बहुत ही रोचक और शानदार बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। डिज़ाइन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिज़ाइन जो है वो आपको आपकी जो रचनात्मक भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का एक ज़रिया है। डिज़ाइन जो है वो एक हमेशा एक नई नई चीज़ों को करने का तरीका है, एक नई नई चीज़ों के बारे में जो आपकी जानकारी होती है, जो आपकी परेशानियां आती हैं डेली लाइफ में, जो ज़िंदगी में आपको जो भी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जो आप एक क्रिएटिव वे में, जो एक रचनात्मक तरीके से आप उसको हल करते हैं, ये डिज़ाइन है। अब हम आते हैं डिज़ाइन के सिद्धांत क्या हैं। डिज़ाइन के सिद्धांत, जैसे आपको मान लीजिए किसी भाषा का ज्ञान चाहिए या किसी भाषा को सीखना है आपको, हिंदी, अगर हिंदी सीखने के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है? हिंदी सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपके पास शब्दकोश होना चाहिए, आपके शब्दकोश में इतने शब्द होने चाहिए ताकि आप बोल सकें। उसी प्रकार आपके पास एक व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए जिससे आप सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर सके। उसी प्रकार से ये सिद्धांत जो हैं डिज़ाइन के, जो डिज़ाइन के प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन कहे जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं ये समझने के लिए कि कैसे आप इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके एक डिज़ाइन को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, रचनात्मक बनाया जा सकता है। दोस्तों, आने वाली श्रृंखला में हम देखेंगे कि कैसे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के विभिन्न तत्व किस तरह से डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं, हम उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप डिज़ाइन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अपने आसपास देखें, जितनी भी चीज़ें आपको दिखें, उन सब चीज़ों को लिखें, उनको ड्रॉ करें और देखें कि उसमें क्या आपको अच्छा लग रहा है, और मुझे इस ईमेल आईडी पर उसको भेजें। इस फ़ोन नंबर पर भी भेज सकते हैं आप उसको और मैं इसका रिप्लाई ज़रूर आपको दूंगा।